So, what's up, technicians? I'm your technical host and दोस्त पार्जमान and welcome back to my channel, Techie Recce. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी DOS मॉडल होते हैं उनमें हमें अपने विंडो को खुद ही एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि उनमें जो विंडो होती है वो ओरिजिनल या फिर जेन्युइन नहीं होती. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने विंडो को एक्टिवेट कर सकते हो. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जितने भी इसकी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले. सो बिना किसी देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट. सो लेट्स रोल द इंट्रो. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर विंडो को एक्टिवेट करने से पहले आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो मेरी विंडो है वो एक्टिवेट है या फिर नहीं. तो यहाँ पर सबसे पहले जाते हैं सेटिंग्स पर, और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं लिखा हुआ है योर विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड. तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी विंडो को एक्टिवेट कर सकते हो. तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जाना है अपनी सेटिंग्स पर. सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन को. देन एक और ऑप्शन होगा जिसका नाम है विंडो सिक्योरिटी, इसको कर लीजिए सेलेक्ट. देन एक और ऑप्शन होगा जिसका नाम है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इस ऑप्शन को कर लीजिए सेलेक्ट. जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे देन आपकी एक न्यू इंटरफेस खुल जाएगी, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग. आपको जाना है यहाँ पर मैनेज सेटिंग पर. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देन इससे रिलेटेड आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पर दिख जाएंगे. देन आपको यहाँ पर रियल टाइम प्रोटेक्शन को भी कर देना है टर्न ऑफ, और यहाँ पर जितने भी वायरस से रिलेटेड सेटिंग्स हैं उन सभी को कर लीजिए टर्न ऑफ, ताकि आपकी बैच फाइल डिलीट ना हो जब भी हम उसको इंस्टॉल करें. देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम जाएंगे अपने ब्राउजर पर, और यहाँ पर आपको सर्च करना है विंडो एक्टिव बैच फाइल. देन आपको करना है एंटर. देन आपको करना है स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर आपको साइट दिखाई देगी gist.github.com. आपको इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा. देन आपको इस साइट को कर लेना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक कोड दिखाई देगा. आपको इस पूरे के पूरे कोड को कर लेना है कॉपी. तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसे कर लेता हूँ कॉपी. इसके बाद आपको अपने नोटपैड को ओपन करना है, तो यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ नोटपैड को ओपन. नोटपैड के ओपन होने के बाद आपको इसके अंदर वही सारा टेक्स्ट कर देना है पेस्ट. तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी से कर देता हूँ पेस्ट. कोड के पेस्ट होने के बाद आपको इस फाइल को कर लेना है सेव. तो कंट्रोल प्लस ऐसे इस फाइल को कर लेता हूँ सेव. देन आपको इस फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ एक्टिवेशन. देन आपको जो इसकी एक्सटेंशन देनी है वो देनी है .bat. तो यहाँ पर .bat का मतलब कुछ नहीं, मतलब है बैच फाइल एक्सटेंशन. तो आपको इसकी एक्सटेंशन देने के बाद सेव पर कर देना है क्लिक. और यहाँ पर जो इसकी लोकेशन है आप किसी भी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं. तो फिलहाल के लिए मैं अभी अपने डेस्कटॉप पर रख रहा हूँ. देन आपको जाना है उसी लोकेशन पर. तो यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो मुझे हो चुकी है शो. देन आपको इस फाइल को कर लेना है सिलेक्ट, और इसे रन करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं मेरी जो बैच फाइल है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है. अब यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट लग सकते हैं इसी एग्जीक्यूशन प्रोसेस के लिए. और यहाँ पर मेरी जो विंडो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, मुझे मैसेज भी शो हो चुका है योर विंडो इज एक्टिवेटेड. देन आपको यहाँ पर एंड टाइप करना है. जैसे आप एंड टाइप करेंगे आप इस बैच से हो जाएंगे एग्जिट. अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी विंडो है वो एक्टिवेट एक्चुअल में हुई है या फिर नहीं. तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं पहले मुझे नीचे नोटिफिकेशन आ रही थी योर विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड, तो यहाँ से वो हट चुकी है. अब हम जाते हैं अपडेट एंड सिक्योरिटी में. देन हम जाते हैं एक्टिवेशन सेक्शन के अंडर, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन स्टेटस के अंदर मुझे शो हो रहा है कि योर विंडो इज एक्टिवेटेड. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपके लिए रही है थोड़ी सी भी हेल्पफुल, देन इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में जितने भी इसकी अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले. फॉर नाउ स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता.